आ गए बुला? हाँ बूढ़े बाबा। चलो शिकारे को किनारे लगा दो। आज बहुत सारे फूल बेच पाया। तुम इतनी देर तक झील में क्या कर रहे थे? दिखता नहीं कि रात हो गई है। इसीलिए तो ठहर गया था। चांदनी में डल झील मानो चांदनी से चमकने लगती है। जल्दी घर चलो, इतने अंधेरे में बाहर घूमना अच्छी बात नहीं। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं बूढ़े बाबा? क्योंकि ऐसा कुछ राज है जो लो, पहुंच गए हम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी। यहाँ का नजारा तो उन किताबी तस्वीरों से भी खूबसूरत है। हाँ, खूब सैर करेंगे हम। पहुँच गए कश्मीर। बस समझ में ये नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। वाकई में कश्मीर का हर एक नज़ारा एक से बढ़कर एक है। मेरा नाम आसमा है और मैं यहाँ डल झील में फूल बेचती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आसमा। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। मैं हूँ भीम और ये हैं हमारे महाराज राजा इंद्र वर्मा और ये राजकुमारी इंदुमती। हमारे कश्मीर में आप सबका स्वागत है। क्या आप सब पहली बार कश्मीर आए हैं? हाँ, और हम चाहते हैं कि हमारा ये सफर यादगार रहे। तो कश्मीरी पोशाक आप दोनों पर बड़ी जच रही है। और हम कैसे दिख रहे हैं? बहुत अच्छे, खासकर तुम भीम। मुझसे बेहतर नहीं। पेश है खास कश्मीरी दावत। करारी कश्मीरी रोटी और मजेदार दम आलू। ऐसा बढ़िया पुलाव मैंने आज तक नहीं खाया। हम तो ये हरी भरी सब्जी खाएंगे। खाने में तीखा ज्यादा हो जाए तो मीठा काम आता है। लो। तो बच्चों हो जाए कश्मीर की सैर। रात में ये डल झील कितनी प्यारी लगती है और ये शिकारा तो मुझे बड़ा पसंद आया। कश्मीरी लोगों की रोजी रोटी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है ये नाव। कुछ तो अपने शिकारे को अपना घर बना लेते हैं। ढोलो भोलो की तरफ मेरा भी यहाँ सोने का मन कर रहा है। हफ्ते भर से सैर कर रहे हो, तुम सब थक गए होगे। आसमा, यही पास में कहीं हम विश्राम कर सकते हैं? हाँ महाराज। देखो आज तो पूनम की रात है, आग सेकते हुए हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं। पूनम की रात? मैं तो भूल ही गई, मुझे इसी वक्त जाना होगा। कम से कम खाना तो खा कर जाओ। मुझे भूख नहीं है, मुझे जाना होगा। चलो भीम, शायद उसका यहाँ रुकने का मन नहीं था। कालिया सुनो, महाराज और बाकी सभी को फौरन उस बड़े पत्थर के पीछे ले जाओ। और रुक जाओ भीम, क्या कर रही हो तुम? हाँ, उसके गले की वो माला। मगर क्यों चुटकी? भीम, उसे मारना मत, हो सके तो उसे किसी तरह पिंजरे में डाल दो। इसका मतलब आसमा ही कल रात वाली चीता थी। उसके गले में भी वही माला थी जो आसमा ने पहन रखी थी। कई साल पहले एक ऋषि ने हमारे परिवार को श्राप दिया था क्योंकि मेरे परदादा ने उनकी निंदा की थी। मैं श्राप देता हूँ कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी हर पूर्णिमा की रात खूंखार विभिन्न का रूप लेकर घूमोगे। पर मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी हर पूर्णमासी के दिन मैं एक खूंखार जानवर बन जाती हूँ। पर कहानी में तो श्राप हटाने का कोई ना कोई तो उपाय होता ही है। हाँ गुरु कश, ये तो एक गुफा है। लगता है हम ल्योदुर वृक्ष के काफी करीब हैं। क्या चाहते हो तुम ल्योदुर से?
हमें गुरु कशरत ने भेजा है। उन्होंने कहा कि आपके फल हमारी दोस्त की मदद कर सकते हैं। लियो दूर का फल वही पा सकता है जो उसका हकदार हो। बस तीन सवाल हैं। अगर सारे पूछो तो फल मीठा पाओ, पर हार गए तो। पहली पहेली, काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर मोर नहीं, बंधती है पर डोर नहीं। चूटी। दूसरी पहेली, पूछो ऐसी चीज जो गिरे हमेशा पर चढ़े कभी ना। बारिश, बारिश गिरती है पर कभी चढ़ती नहीं। आपका इनाम। मैं ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो कश्मीर में हमने काफी कुछ किया है ना भीम? हाँ। सबसे मजेदार चीज तो आप लोगों ने अब तक नहीं की। वो क्या? बर्फ से खेलना। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। हाँ, पर डॉक्टर साहब, आपके सब दांत सोने के हैं। पर वो क्यों? मेरी मर्जी। मुंह खोलो, बोलो आ आ। क्या हुआ राजू? मैं गन्ना चबा नहीं पा रहा, दांत में जोर का दर्द होने लगा है। राजू रुको तो। दांत तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। नहीं, निकालूंगा निकालूंगा दांत निकालूंगा। नहीं। पागल खाने से भागा ये व्यक्ति दांत का डॉक्टर बनके लोगों को परेशान करता है। पागल खाने से लोगों के दांत इकट्ठे करता है, विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है। दांत निकाल लोगे उसके बाद मैं लड्डू नहीं खा पाऊंगा। चुटकी के बैग में लड्डू है, मुझे बस एक खिला दो फिर दांत निकाल लेना। ठीक है, खा लो लड्डू जाओ। इस बार तुम्हें बेहोश करके ही दांत निकालूंगा। हा
ये क्या रोता जग्गू? क्या हुआ जग्गू, क्यों रो रहे हो? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। वो मेरे घर पर। और इस तरह उन बंदरों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब ना अब भीम उनको सबक सिखाएगा। जग्गू, भीम क्या करेगा? उन बंदरों को तो मैं ही देख लूंगा। पर मगर कालिया, वो बंदर है तो मैं कालिया पहलवान हूँ, कालिया पहलवान। चलो जग्गू। जग्गू का घर है। तुम तीनों ये सब क्यों कर रहे हो? हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमारे घर पे शिकारी की नजर है। शिकारी? हाँ, वो हमें पकड़ना चाहते हैं। हमारी मदद करो भीम। दोस्तों, मेरा दोस्त है ना भीम, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। इनके घर से चले जाओ। कभी नहीं, पकड़ लो इन्हें। भीम, ये लो। तीन बंदर भाइयों को तुम है। शिकारी, बस। राजकुमारी, हमने कभी राजस्थान नहीं देखा था। हम सबको अपने साथ लाने के लिए धन्यवाद। पर देखो ना कितनी गर्मी है यहाँ। देखो तो उनकी पीठ तो देखो। हाँ। कैसे उठी हुई है। राजू और जग्गू, हम सब उदयगढ़ पहुंचने वाले हैं। वहाँ राजकुमारी राजश्री की शादी है और हम ऐसा चाहते हैं कि तुम दोनों महल में ज्यादा उछल कूद ना मचाओ। भीम को भी तो बोलो, वो तो लड्डू देखते ही उन पर टूट पड़ता है। मैं नहीं जानती, तुम दोनों की वजह से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। वैसे भी भीम, यहाँ राजस्थान में लड्डू नहीं मिलने वाले, यहाँ तो सिर्फ चूरमा ही मिलेगा। क्या लड्डू नहीं होंगे? नहीं भीम, चुटकी तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। ये बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं था। अच्छा? अरे वाह, देखो हम महल पहुँच गए। तुम सभी के वास्ते हमने इस कमरे को कल ही तैयार करा दिया था।
ऊंची छत है। बाप रे। नहीं, ऐसा मत। ये लड़के भी ना। और कितना मजा आ रहा है ना? ओह, ये कितने मुलायम हैं। चलो, तुम सबने भूख लगी होगी। चलो, दावत तैयार से। दावत? भीम, थारे वास्ते खास हमारे हलवाई ने लड्डू बनाए से। वाह! भाई, मैं तो सबसे पहले चूरमा खाऊंगा। नहीं भाभी। दो दो और दो ना। हाँ, सब कुछ दे दो। हाँ। खाओ। तड़ी हिम्मत कि मारे को इंतजार करवाया। कौन है ये जो बिना बात के उस बेचारे पर इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा है? वो बिच्छूपुर के राजा खूंखार सिंह होवे। हमें तो ये बिल्कुल ना भाते। बेशरम, हम थारी मुच्छे मुंडवा देंगे। कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी चलो दोस्तों। बापरे, इतने बड़े बिच्छू। क्या हुआ? पता नहीं, सब कुछ ठीक था। न जाने ये राक्षस बिच्छू कहाँ से आयो और हमला कर दिया। मुझे कुछ करना होगा। ये बिच्छू तो छोटा हो रहा है। पकड़ लिया। सुनो भाई, मामला क्या है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। वो रही राजकुमारी इंदुमती। यहाँ सब लोग क्या ढूंढने में लगे हुए हैं? ये तो राजकुमारी की शादी का समय है ना? राजकुमारी राजश्री को कोई उठा ले गया है। क्या? नहीं। खूंखार सिंह कहाँ है? खूंखार सिंह? वो तो अपने कमरे में होगा ना? हमें वहाँ ले चलो, जल्दी से। चलो। ये क्या? अरे राजकुमारी राजश्री। खेल खत्म हो गया खूंखार सिंह। हमें सब पता चल गया है। तुम ही ने वो बिच्छू भेजे थे और ये सब तुमने राजकुमारी को भगा ले जाने के लिए किया था। खेल तो अब भी बाकी है। हम तो बस तुम्हारे प्यारे बिच्छुओं के हमले का इंतजार कर रहे होते। कैसा हमला? होशियार, वो बिच्छू वापस आ गए हैं। हमला करो। इन बिच्छुओं को छोड़ना मत। हमला करो, हमला करो। सुनाई दे रही से वो आवाज? मैं तुम्हारे बिच्छुओं का कमाल से सारे महल के सैनिक और सूरमाओं को मारे बिच्छू खत्म कर देंगे। फिर हम तुम्हारे राजश्री को बिच्छूपुर ले जाएंगे। खूंखार सिंह। अरे फंस गए हो। ये कट्ठे से आ गए हो? मारा रतन मारे को दे दे मान सिंह। ये क्या हो रहा से? क्या बात से? अब दिखायो ना इस जादुई रतन ने अपना असली रूप। अब होगा सबको मारी ताकत का अंदाजा। खूंखार सिंह, दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करने वाले चोर होते हैं, बहादुर नहीं। कौन बहादुर से? कट्ठे भाग रहे हो से? अरे को मजा चखाऊंगो। बस इतनी छोटी जान, बड़ी ही सख्त जान है ये।
इन बिच्छुओं की फौज खत्म ही नहीं होने वाली जब तक वो रत्न है और उस रत्न को कोई भाला या तीर नहीं तोड़ सकता। ये क्या तोड़ेगा इसको? ये क्या हो रहा है? पानी, इस रत्न को तोड़ना नहीं ठंडा करना होगा। सब खत्म हो गया खूंखार सिंह, तुम हार गए।